Honesty is the fastest way to prevent a mistake from turning into a failure. The most free person in the world is the one who has nothing to hide. मालवा राज्य का सुदर्शन एक सुंदर चालाक गरीब युवक था जिसका विद्याभ्यास बनारस में हुआ था। वे बनारस में विद्याभ्यास समाप्त करके अपना गृह नगर निकल गया। बहुत दूर चल के वे पुरंदर राज्य पहुंचा। वहां पहुंचने तक उनके पास बचे हुए पैसे भी खत्म हो चुके थे और ऊपर से अंधेरा भी हो रहा था। भूख भी लगने लगा, पर सुदर्शन को घर घर जाके खाना या उस रात रहने के लिए जगह भीख मांगना पसंद नहीं था। इसलिए वो सीधा राजमहल गया और राजा को खाना और सिर्फ उस रात रहने के लिए अनुमति भी मांगे। पुरंदर के राजा सुदर्शन के रूप और बात करने का तरीका से खुश होके सुदर्शन को उस रात रहने का अनुमति दिए। पुरंदर के राजा और रानी को ऐसा लगा कि किसी देश के राजकुमार नाम बदल के देशाटन करते हुए पुरंदर आया होगा। अगर सुदर्शन सही में राजकुमार है तो वे अपने बेटी का विवाह सुदर्शन से करना चाहते थे। यही बात राजा और रानी अपने मंत्री को बता के सुदर्शन के बारे में पता करने को कहा। मंत्री सुदर्शन राजकुमार या आम आदमी पता करने के लिए 2 दिन का अनुमति मांगे। राजा उस रात खाना खाने के बाद सुदर्शन को 1 दिन के बाद राजकुमारी के जन्मदिन के उत्सव में भाग लेने का आमंत्रण दिया और उत्सव समाप्त होने के बाद निकलने के लिए कहा। तब तक मंत्री सुदर्शन उस रात सोने के लिए एक कमरे में खड़क बिस्तर का इंतजाम किया और एक सैनिक को बुला के सुदर्शन पर नजर रखने को कहा। उस रात सोने के लिए सुदर्शन को उनके लिए इंतजाम किए हुए कमरा दिखाया गया। सुदर्शन वो कमरे में गया और दरवाजा बंद करके सोने के लिए पलंग पे बैठ के जैसा शर्ट उतारा, वो शर्ट के जेब में से मटर गिर गया और पूरा कमरा फैल गया। ये मटर सुदर्शन सफर में खाने के लिए रास्ते में आजू बाजू खेती से थोड़ा। अब ये कमरे में फैला हुआ मटर अगले दिन कोई नौकर देखा तो उनका बेइज्जती हो जाएगा समझ के सुदर्शन वो सब उठाने लगा। बाद में चादर निकाल के हिला कर दिया और रात भर बिना सोए मटर उठा के एक एक खाने लगा। राजा से दिए हुए खाना से उनका पेट भर गया। मटर कहाँ फेंकना ना पता चलने से के कारण आधी रात तक बैठ के मटर खा लिया। अगले दिन मंत्री सुदर्शन के कमरे के बाहर रखा हुआ सैनिक को सुदर्शन पिछले रात कैसे सोया पूछा। सैनिक ने कहा कि सुदर्शन रात भर सो नहीं पाया और सुदर्शन कमरे में घूमना और चादर हिलाने का आवाज भी वे सुना कहा। मंत्री राजा के पास जाके कहा कि सुदर्शन आम आदमी नहीं है, राजकुमार ही है, इसीलिए वो खड़क बिस्तर पर सो नहीं पाया कहा। रात भर मटर खाने के कारण अगले दिन सुदर्शन खाना नहीं खा पाया। इससे राजा और रानी और मंत्री को लगा कि सुदर्शन कोई सम्राट का पुत्र होने के कारण उनके जैसा छोटा राजा के आतिथ्य से वो खुश नहीं है। दूसरे दिन सुदर्शन को सोने के लिए मंत्री परियों की गद्दी जैसा गद्दी का इंतजाम करवाया। पिछले रात को पूरा नींद ना होने के कारण सुदर्शन पत्थर भर भी सोने के लिए तैयार था। जैसा सुदर्शन कमरे में गया वो परियों की गद्दी पर सो गया।
जिससे मंत्री दृढ़ हो गया कि सुदर्शन आम आदमी नहीं है। अब राजा रानी को ऐसा शक आया कि एक सम्राट का पुत्र होके सुदर्शन उनके जैसा छोटा राज्य के राजकुमारी से विवाह करेगा क्या। अगले दिन मंत्री राजकुमारी इंदुमती को सुदर्शन के पास ले गया और सुदर्शन को विवाह करने का सुझाना दिया। सुदर्शन मना किया तो भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में सुदर्शन और इंदुमती के विवाह हो गया। दोनों कुछ दिन पुरंदर में ही बिताने के बाद इंदुमती सुदर्शन से, हम यहाँ और कितने दिन रहेंगे, हम अभी अपने राज्य वापस जाएंगे कहा। आश्चर्यचकित होके सुदर्शन, अपना राज्य कहा। इंदुमती ने तब कहा कि सुदर्शन राजकुमार है करके शादी के पहले से उनको पता है कहते हुए शादी के पहले राजा रानी और मंत्री से किए गए परीक्षाओं के बारे में भी सुदर्शन को बताई। इंदुमती के बातें सुनके सुदर्शन हैरान हो गया था। अब सुदर्शन का बारी है कि इंदुमती को सच बताना है या राजा बनना है। पर सुदर्शन को इंदुमती से प्यार के कारण सच बता के उनकी मन दुखाना नहीं चाहता था और धोखा भी नहीं देना चाहता था। जिस दिन इंदुमती सच समझ जाएगी तब तक देश घूमने का निर्णय लेके एक दिन सुदर्शन इंदुमती के साथ पुरंदर राज्य से निकल गया। लक्ष्य के बिना सफर में सुदर्शन और इंदुमती को कई हफ्ते महीने भी बीत गए। दोनों बहुत मुश्किलें सामना किए, फिर भी इंदुमती एक बार भी सुदर्शन को अपने राज्य के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछी। कई बार इंदुमती सोते वक्त उसको वहीं पे छोड़ के जाने के लिए सोचा सुरंदर ने, पर इंदुमती से प्यार के कारण वो काम नहीं कर पाया। 6 महीने के बाद दोनों कलिंग राज्य पहुंचे और इंदुमती के कुछ गहने बेच के एक मठ में ठहरे। वहां पे एक वृद्ध स्त्री इंदुमती और सुदर्शन से पहचान हुई। सफर में बहुत मुश्किलें सामना किया तो भी इंदुमती राजकुमारी जैसी ही दिख रही थी। वृद्ध स्त्री को सुदर्शन को देखते ही कलिंग राज्य के पुत्र की याद आने लगा जिनका अपहरण छोटेपन में हुआ। सुदर्शन के बारे में जानने के लिए वृद्ध स्त्री इंदुमती को बाजू में ले गई और पूछताछ करने लगी। इंदुमती ने वृद्ध स्त्री से, वे पुरंदर राज्य के राजकुमारी है और सुदर्शन जिस राज्य के राजकुमार है उनको भी पता नहीं कहा। इससे वृद्ध स्त्री का संदेह दृढ़ हो गया और वो ये बात कलिंग राज्य के राजा और रानी को बताई। सुदर्शन और इंदुमती को देखने के लिए राजा और रानी उत्सुक हो गए थे और दोनों को उसी वक्त राजमहल में बुलाया गया। सुदर्शन उनके पुत्र जैसा लगने से राजा और रानी खुश हो गए और भगवान ने ही उनके पुत्र को वापस भेजा सोच के सुरंदर को अपना लिया और अच्छा मुहूर्त देखे सुदर्शन का पट्टाभिषेक भी करा लिया। कलिंग राज्य के राजा उनके दामाद होने से पुरंदर के राजा खुश हो गए थे। मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा।